परसों में को होटल नहीं मिला रास्ते में कोई भी। अच्छा हमारे पास पैसे समड़ गए थे, खत्म हो गए थे हमारे। अच्छा फिर हम चलते गए हमने पानी मिला रास्ते में, कोई बंदा ऐसा है हमारे पास, उन्हें चार चार पाँच पाँच किले दिए हमारे को ला कर, मेरा खाओ भैया, वो समझ लिया मारे लिए बोले कृपा थी। माँ बोले मैं तब तक प्यार करूँ तो मैंने छोड़ दिया ना, मैं तब छोड़ गया बोले, मैं जिंदगी में मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा जिंदगी मेरा साथ। बोले पापा बोले शंकर भगवान की जय। और लम्डा आज भी शांति हावड़ा पर अपन में लग जाओ मुंडा घेर तू, किसकी कृपा? भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान की। तब भोले बाबा का दर्शन भी हो गया, बता दो एक बार। हो गया, हो गया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों स्वागत करते हैं 2024 कावड़ यात्रा में आप सभी का, और हम लगातार आपको कावड़ यात्रा के दर्शन करा रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं शिव चौक मुजफ्फरनगर पे, यहाँ पर देखो भोले पहुँच चुके हैं अपनी सुंदर सी कलश कावड़ लेकर। ये देखे कितने भोलों की टीम है, बोले अकेले ही हो? कितने लीटर जल ले रहे? 81 लीटर। थोड़ा माइक ऊपर कर लो बोले। टोटल वेट 81 है इसका, टोटल वेट 81 लीटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 81 लीटर की जो कावड़ है वो शिव चौक मुजफ्फरनगर आ पहुंची है। ये देखिए ये हमारे महादेव भगवान है, और शिव चौक की परिक्रमा के बिना जो है कोई भी कावड़ यात्रा यहाँ से मतलब पूरी नहीं मानी जाती है। कहाँ के भोले हैं? हरियाणा से। हरियाणा के? हरियाणा में कहाँ? जिला हिसार जी। बोले थोड़ा माइक ऊपर कर लो। जिला हिसार जी। दोस्तों देख सकते हैं जिला हिसार कितने किलोमीटर पड़ेगा हरिद्वार से? 350 पड़ता है। 350? अरे वाह बोले बहुत दूरी, बहुत लंबी दूरी है आपकी। दोस्त जी बोले कि साथी बुला लिया हम आगे जी। अकेले ही है? बिल्कुल नहीं, तीन बंदे साथ में। अच्छा तीन भोले हैं, ये भोले भी हिसार के ही है? हाँ जी। और ये भोला एक और बैठा दिखा है, ये भी हमारे साथ में। जय भोले की, आ जाओ रे ना, आ जाओ भोले। ये भोले का भी थोड़ा परिचय करवा दो। बोल शंकर भगवान की जय हो। और बोले कैसे हो? ठीक है भाई। यात्रा कैसी रही? एक नंबर की। नाम बता दो अपना। अपना नाम रोहित है, मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा? हाँ क्या हरियाणा है? हरियाणा का भाई, वैसे जिला मेरा हिसार है। अच्छा। तहसील मेरा बरवाला है, गांव मेरा डाणीगारण है। ये बोले स्टाइल में बता सारा का सारा, कहीं टिकटॉक पे नहीं, टिकटॉक तो बैन हो गया, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे डायलॉग मार लग रहा है? ना ना वीडियो बना रहा सिंपल। अच्छा बहुत बढ़िया बोले। यात्रा कैसी रही? यात्रा बोले कृपा से अच्छी रही अभी तक तो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई अभी तक। आप कितना लीटर चल ले रहे? आप मेरा है वैसे 10-11। बढ़िया है बोले। पहली बार यात्रा करने के लिए आए? इससे पहली बार। अच्छा क्या मनोकामना से आए? बस वैसे को नौकरी नागरी लग रही अच्छी। हाँ ये नौकरी लगने की उससे। कितने क्लास में पढ़ते बोले? अभी तो +1 में ही है। +1 क्या हो? 11वीं में ही। अच्छा 11वीं। अच्छा +1 बोलते हैं उसे, +2 12वीं होगी। अच्छा ये बढ़िया, आज कोई शब्द सीखने को मिला। तो दोस्तों देख सकते हैं हिसार के भोले जो है हरिद्वार से चलकर अभी शिव चौक मुजफ्फरनगर पहुँच चुके हैं। ये देखिए दिव्य नज़ारा। और परिक्रमा कर ली भोले? अच्छा हरिद्वार से कब चले थे भोले? हम चले थे 12 को। अच्छा 12 को? 12 को शाम को। अच्छा तो आप तो बेल्ट वेल्ट लगाते कुछ? कुछ ये भोले लगाते हैं, इनसे इन माइक दो एक बार। हाँ बोले जी, जैसे इतने लीटर जल उठा रहे हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी कुछ? दिक्कत तो कुछ नहीं अभी तक। तैयारी कहाँ पे करी थी इसकी? बस जी तैयारी बोलेगी मस्ती जी, तब कोई तैयारी नहीं। 350 किलोमीटर बताया था? 350। 350? हाँ यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 350 किलोमीटर। 81 लीटर चल ले गए। तीसरी बार आए हैं जब? तीसरी बार। अच्छा हरिद्वार तीसरी बार आए। पहली बार में कितना उठाया था? पहली बार में तो झूला कावड़ थी मेरे पास। कितना? झूला कावड़ थी। झूला? अच्छा पहली बार में झूला कावड़। उसके बाद में फिर 51 लीटर था जी। अच्छा अब की बार 81। अब की बार 81। हाँ जी। देखो जवान है बोला, कितने साल की उम्र है बोला? मेरी 19.5 साल होगी। 19.5 साल की। देख लिया चाचा, मालिक की कृपा है भाई, की क्या हिम्मत है, इंसान कोई भी हो भगवान की कृपा होगी तो काम होगा। देख नहीं सकता। सही कह रहे। अगर अब सुनो मेरी उम्र कितनी जैसी है आपको? आपकी उम्र 50-55 के आसपास होगी। मेरी 65 साल की उम्र है। 65? और लम्डा आज भी शांति हावड़ा पर अपन में लग जाओ मुंडा घेर दूंगा, किसकी कृपा? भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान की। किसकी कृपा? पैदल रामपुर तिराया कोकड़ा मंडी शामली अड्डा पूरे को क्रॉस कर दूंगा मैं पैदल। पैदल ही डेली कावड़ भी लाया आपका भी? कावड़ यहाँ पर दिलों के है, कावड़ का काम नहीं। क्यों? इसलिए कावड़ नहीं ला सकता मैं कि मैं एक तो यो कपड़ा 24 घंटे 12 के 12 रात को बोलता रात हो दर गया नहीं तो, और एक जुत्ती चाहे टूटी हुई हो बाद में अगर एक पान रख दिया ना धूम में कभी धूम में तो एकदम करंट हो रहा था दो चीज से तंग हूँ मैं। अच्छा चलो ये भी भोलेनाथ की कृपा है। ये देखो ये तो भोले
आनंद में है, शरीर एकदम स्वस्थ है, कुछ कष्ट नहीं हो सकता। सच्चे मनते ही है बोले, चल जा रहा। अरे एक देखो हरियाणा के जो लड़के हैं ना आजकल, भोलेनाथ की सबसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं ये भी, हिसार के बोले बरवाला हिसार के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ बोले जी, हरिद्वार में कैसा सिस्टम था? हरिद्वार में बिल्कुल सिस्टम था जी, मन लग रहा था वहाँ से आने का, मन नहीं कर रहा था जी। अच्छा, गंगा किनारे में ही लेटे घूमे फिरे हरिद्वार में? जी नीलकंठ पे भी गए सभी। नीलकंठ पे भी गए? नीलकंठ पे कैसा है, बारिश वारिश हो रही? बारिश वारिश हो रही थी इस टाइम। अच्छा, पैदल चढ़ाई करी थी कैसे? नहीं बाइक से गए थे। अच्छा बाइक से, पैदल वाला रास्ता भी मतलब चला नहीं था जी। भीड़ चल रही नीलकंठ पे भगवान? नहीं अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं, अब सावन के स्टार्ट होने के बाद भीड़ होगी। अच्छा फिर भीड़ हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं भोला जो है नीलकंठ यात्रा भी करी है, नीलकंठ महादेव की, और वहाँ पे भी गए चंडी देवी मनसा देवी। मनसा देवी पे जाके चंडी देवी पे नहीं गए? ऐसा क्यों करते हैं? मैंने भी बहुत सारी वीडियो बना ली जो है, मनसा देवी पे चले जा, चंडी देवी पे जाते नहीं। नहीं जब भी आया करो ना, जब भी जाया करो दोनों देवी पे जाया करो। नहीं माता तो बुला रही थी, अब बताया नहीं होगा किसी, किसी ने बताया नहीं होगा। क्या बात है, हम है नहीं, हम तो अगली बार जरूर जाएंगे, अगली बार जरूर जाना, अगली बार जरूर जाएंगे। बोले बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे बोले, किसी छोटी सी उम्र में आप तो बहुत बहुत धन्यवाद, सनातन धर्म को पढ़ा रहे आप, हिंदू धर्म को पढ़ा रहे, कोई मनोकामना लेके आए कुछ किसी प्रकार की? बस जी मनोकामना तो ये जी, मैं सुखी सुखी रह सकूँ जी, और मैं कामयाब हो जाऊँगी, ठीक है, और हमारा सनातन धर्म ऐसे ही बना रहे। जय बोले जी, जय श्री शंकर, परिक्रमा की जय। परिक्रमा तो होगी ना? आज परिक्रमा होगी। अब निकलोगे यहाँ से? आज अब निकलोगे। और कितने दिन का रास्ता रहेगा? अभी जी 13 दिन रहेंगे टोटल, 13 दिन में ही जाएंगे। 13 दिन में? आज 2 तारीख का चलेंगे। अच्छा हाँ जी, एक की शाम को चलेंगे। अच्छा बोले जैसे एक बार उठा ले, एक बार उठा ले, कितनी दूर चल रहे हैं? एक बार चलिए 150 मीटर चला जाते हैं, 150 मीटर। खाने पीने रहने की व्यवस्था कहाँ करी रास्ते में, क्योंकि अभी तो कोई भंडारा वंडारा नहीं? अच्छा अभी तो होटलों में खाना खाते हैं। होटल में ही? और सोने के लिए? सोने के लिए होटल में सोते हैं। रोड पे सो जा, बोले कृपा कहीं पर जगह मिल जाएगा, फिर सपाना मारा बोले बोला बढ़िया बढ़िया, बोला बढ़िया बढ़िया डायलॉग मार रहा दोस्त। एक झूला कावट हो रहा है यहाँ से, जय बोले की। हाँ बोले बताओ जो कोई बढ़िया बात बता दो बोले के नाम। हाँ एकदम बेहतरीन सी, एक हरियाणा का बढ़िया सा बोले बापा पे डायलॉग बता दो। हाँ हाँ सुना दे ऊपर को माइक करके थोड़ा। हाँ जो हरियाणा में फेमस है भोलेनाथ के प्रति, जो भोलेनाथ बड़ा दियो। हाँ माँ बोले मैं तेरे प्यार करूँ तो मैंने छोड़ दिया था। हाँ मैं तो छोड़ दिया बोले, मैं जिंदगी में मेरा साथ छोड़ दूँ, मेरा जिंदगी मेरा साथ। ये बोले पापा, बोले शंकर भगवान की जय। और आवा एक और तो ऐसे छोटा छोटा मोटा, कोई बात नहीं छोटा मोटा ही सुना रहे भोलेनाथ, तो उसी में खुश हो जाएंगे। हाँ ऐसी इसी तरह का सुना। हाँ हाँ बता दे बोले, बता दे शर्मा वाला सारी जान में हो जाएगी, मैं गाँव में तो बोल दूँ। अच्छा हम काउट उठा के भोले की भक्ति दिमाग में चलती है। प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस करी भोले कृपा कभी प्रैक्टिस। देखो ये भोले पे ये क्या निशान से हो रहे भोले, ये क्या माता निकली हुई है? चामुंडा माई, चामुंडा माई मुझे तो बताओ प्रैक्टिस में एक से क्या बोलने लगा भोले रे, भूखे मरे सवेरे सुबह की, सुबह की भोले ने प्रसाद हमारे हाथ में धर दिया। लगा ये भोलेनाथ तो हर टाइम देता रहा है कुछ ना कुछ, कृपा है भोले की। परसों में होटल नहीं मिला। अच्छा अच्छा एक कोई चमत्कार बता दो। परसों में होटल नहीं मिला रास्ते में कोई भी। अच्छा हमारे पास पैसे समड़ गए थे, खत्म हो गए थे हमारे। अच्छा फिर हम चलते गए हमने पानी मिला रास्ते में, कोई बंदा ऐसा है हमारे पास, उन्हें चार चार पाँच पाँच किले दिए हमारे हमारे को ला कर, मेरा खाओ भैया, वो समझ लिया हमारे लिए भोले की कृपा थी। मतलब कितने किलोमीटर तक चलते रहे ऐसे? हम 5-6 किलोमीटर तक। कोई होटल नहीं मिला रास्ते में? होटल तो मिला था पर पैसे तो नहीं थे, पैसे भी खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए थे हमारे, फोन फान मिला रहे थे घर वालों के पास, हमारे पैसे समड़ गए। अरे बोले मर गए थे हम घर वाले, अभी बोले अभी है, अब पैसे हमारे पास नहीं बता दो कोई दिक्कत हो। पापा इधर आ, यहां मुझे पंडागर में खड़े हैं आप, हमारा पापा इधर आ, किसी भी तरह की टेंशन ना ले, फुल है। हां बोल शंकर भगवान की जय। ये देखो बोला नहीं करता कर कृपा करता रहे, अगर यहाँ मुझे पनगर में दिक्कत होगी बोलो को फिर तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगी। अपने जो भोले साथी है, जो भोले भाई यहाँ ला रहे पाछे सुख शांति दाइयो भाई, ना तेज बाजू की कोशिश करियो आगा पाछे सब जगह देख दे आइयो बस। हाँ अब इच्छा सारे भाई है सुतरी तेरी अपने अपने भोले बाबा जल चढ़ाना लिया बस ले बोले ना बंदा जी खुश कर दिया, इतनी बढ़िया बात बताया बहुत बढ़िया वाली शंकर भगवान की जय। और जो जो भारी भारी जल ठा रहे उनके लिए भी कुछ बता दो। उनका बात तो क्या बता, मैंने खुद ने हड़का चकर क्या बोला। अरे नहीं
जो मतलब जो है ना दूसरे की रस्में हारे जाते खुद ना ज्यादा ना चाहिए कहते 40 किलो वेट ओके मेरा मेरे में खुद 40 किलो है मैं 80 चल को फायदा को नहीं बात में भी हाँ जी दिल्ली के लिए सीधे बोले शंकर भगवान की जय। आप कहाँ से आए हो? मैं बावल से हूँ। बावल गुड़गांव से? गुड़गांव से। ओके अकेले चले जी? अच्छा बहुत लंबी यात्रा होगी आपकी तो। बाबा साथ है हर साल लाते हो कावड़? बाबा साथ है मेरे हमेशा अकेले जो है नहीं हो तो बाबा जी देखो यहाँ भी साथ चले सीने में है इसमें भी साथ है घुटनों में दर्द रहता है पर बाबा ने सही कर रखे है। अच्छा अच्छा कृपा कर रखी है पूरी उसी की है। तब भोले बाबा का दर्शन भी हो गए बता दो एक बार। हो गया? हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है बोले धन्यवाद चल रहा है भाई। हाँ चलो चलो ठीक है बोले भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करे है। बोले बोल शंकर भगवान की। देखिए दोस्तों भोले ने उठा लिया 81 लीटर जल और 19 साल का भोला है हद करती भोले ने बोले शंकर भगवान की जय बोल के। ये देखिए भोला जा रहा है बिल्कुल एकदम जीवा भोला है जवान एकदम ये शेर भोला। हर महादेव भगवान की जय। जय भोले मिलता रहिए।